आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी एग करी। एग करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 बॉयल एग्स लिए हैं जिनका मैं यूज़ करने वाली हूँ। एंड इसके अलावा मैंने एक बड़ी प्याज ले ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एंड उसके अलावा मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका हम यूज़ हमारी एग करी बनाने में करने वाले हैं। इसके अलावा जैसे जैसे मैं जो यूज़ करूँगी मैं बताती जाऊँगी। मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ भी ली थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 6 बॉयल एग लिए हैं जिनको मैंने फोक से प्रिक कर लिया था। एंड यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी ऐड करके एग इसमें ऐड कर दिए हैं। एंड अच्छे से मैं उसको हल्दी में रोल कर लूँगी। हल्दी से हमारे जो एग्स हैं उन पर बड़ा अच्छा सा कलर आएगा। एंड फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है एंड उसमें मैंने एग्स को ऐड कर दिया है। सारे अंडे मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। सारी साइड से अच्छे से हम फ्राई हो जाएं घुमा घुमा कर एंड उनका कलर चेंज होने लगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे अंडे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हमें इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। सारी साइड से अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं एंड देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम अपनी ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया था एंड उसमें मैंने 2 बे लीफ और बड़ी इलायची ऐड कर दी हैं। एंड उसके अलावा फिर मैंने इसमें हमारी जो फाइनली चॉप प्याज थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। एंड प्याज को मैं हल्का गुलाबी होने तक ही फ्राई करूँगी। हमें इसको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। सिर्फ प्याज का कच्चापन दूर हो जाए हमें इसको उतना फ्राई करना है। देखिए तो प्याज हमारी गुलाबी हो गई है एंड इसका कच्चापन भी दूर हो गया है। अब उसमें मैं 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको हल्का सा भून लूँगी ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। एंड उसके अलावा जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी तैयार करी थी वो इसमें ऐड कर दी है। एंड इसके अलावा मैं इसमें जो हरी मिर्चें मैंने चॉप करी थी वो भी ऐड कर दी है। सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स करके हल्का सा भून लूँगी। तो यहाँ पे मैं कुछ ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है, इससे हमारी ग्रेवी पे बड़ा अच्छा सा कलर आएगा। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ एंड 2 टीस्पून यहाँ पर मैं कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दूँगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड उसके अलावा 1 टीस्पून यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है एंड 1 टीस्पून ही इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर दूँगी। एंड उसके अलावा थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया है ताकि हमारे जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाए एंड जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल जाए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर कर मैं हमारी ग्रेवी को भून लूँगी। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है, तेल भी ऊज आउट हो रहा है एंड कितना अच्छा हमारी ग्रेवी पे कलर आया है। अब जो मैंने अंडे फ्राई करके पहले से रखा हुए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए अंडे मैंने ऐड कर दिए हैं एंड अच्छे से मैं उसको ग्रेवी के साथ मिक्स कर लूँगी। एंड 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको कुक होने के लिए सिम पर छोड़ दूँगी ताकि जो हमारे अंडे हैं उसमें भी हमारी ग्रेवी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए थे, एग करी हमारी एकदम रेडी है। कितना अच्छा इसका कलर आया है, उतनी अच्छी इससे खुशबू भी आ रही है। तो चलिए जी अब हम अपनी इस लाजवाब सी एग करी को सर्व करते हैं। हमारी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।